Honorable Member Mulayam Singh Ji. ये काम नहीं करता है, standby है। काम करता ही नहीं। नहीं अभी नहीं, emergency में करेगा। standby है। सभापति जी, अफसोस के साथ इस चर्चा में भाग लेना पड़ रहा है और ऐसा लगता है कि हम आज़ादी के पहले हिंदुस्तान में रह रहे, जहाँ पर अंग्रेज हमेशा सांप्रदायिकता को बढ़ा करके हमें आपस में लड़ाता था, दंगे कराता था, हिंदू और मुसलमान की दूरियाँ बढ़ाता था। एक उसका स्वार्थ था कि साम्राज्यवाद को बांटो, राज करो, भेद डाल करके अपना मजबूत करें। लेकिन आज जो चर्चा हो रही, गंभीर चर्चा है और देश की खातिर ये चर्चा है, देश को एक बनाए रखने की चर्चा है, देश को मजबूत रखने की चर्चा है, जहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कहा जाता है कि संकट घड़ी में देश है, सीमाओं पर दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं, जब ये महसूस कर रहे हो, जानते हैं, तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस सोच के कौन लोग हैं? असली तो उनको अलग थल करना पड़ेगा जो इस चिंतन के लोग हैं, इस सोच के लोग हैं। ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित करना पड़ेगा, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मान गए हेमंती जी, आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जब 6 तारीख को समाजवादी पार्टी के विधायक की हत्या कर दी गई राजभवन के गेट पर, और शांतपूर्ण तरीके से धरना दिए बैठे थे, और 7 तारीख को जब अदालत में पेश किया गया वो हत्यारा, तो नारे करीब 25 लोग दे रहे थे कचहरी पर कि तुम देश के गौरव हो, क्रांतिकारी हो, तो नौजवान सरदार भगत सिंह हो, आप शिवाजी हो, आप पर देश को फख्र है। ये कौन लोग थे? आप गृहमंत्री हैं, क्या इनको ऐसा इस अवसर पर कहने का या नारे लगाने का, नहीं तो आप हिंदुस्तान टाइम्स 8 तारीख का और टाइम्स मीडिया निकाल के हैं, पढ़ लीजिए। ये नारे हैं, कुछ नारे हैं, कुछ नहीं हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये किस चिंतन के लोग हैं, किस सोच के लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही? और फिर ये कहना कि हम चर्चित होना चाहते हो, ठीक है नौजवान, तो क्या समाजवादी पार्टी के सांसद फूलन देवी की हत्या करके भी यही बयान दे रहा था वो, उसी आधार पर ये भी बयान दिए जा रहे हैं? और फिर इसके बाद अखबारों में आया है कि हत्या कराने के लिए किसी और की थी, हम उस पर जिक्र नहीं करना चाहती, आपका काम है कि हत्या कराने के लिए किसके लिए आया था और किसकी की गई। तो ये असली गहराई पे आपको चिंतन ये करना है पूरे सदन पर आपको, कि इस सोच के लोग, इस चिंतन के लोग कौन हैं, इनको अलग थल करना पड़ेगा, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम स्वीकार करते हैं कि 27 फरवरी को जो कुछ हुआ गोधरा में जघन्य अपराध, और जिन्होंने जो किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, किसी को कानून उनको हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या सरकार को नहीं पता था, ये समाचार पत्रों में है, मीडिया में है, कि गोधरा की स्टेशन से काफ़ी दूसरी टेलीफोन पर ही खबरें आ गई थी कि कुछ रास्ते में चलते हुए विवाद खड़ा हुआ है, तनाव हुआ है, झगड़े होते आए हैं, और उसके बाद इकट्ठे लोग होने लगे। अब ये कोई कहता है, जैसा कि कमेटी गई है मौके पर, मुझे पता नहीं, कोई कहता 500 थे, कोई कहता 2000 थे, कोई 3000, लेकिन जिला प्रशासन ने 500 तो माने ही स्वीकार किए हैं। तो 500 लोग इकट्ठे हो रहे थे, और उसके बाद 2 घंटे बाद रेलगाड़ी आई है गोधरा में, तब तक 4 घंटे बाद, तब तक जिला प्रशासन क्या करता था, सरकार क्या करती है, सरकार को खबर क्यों नहीं थी? और जैसा अभी माननीय सोमराज जी ने कहा कि गृहमंत्री जी, आपको भी खबर नहीं थी, आपके गृह मंत्रालय को खबर नहीं थी, तो आपकी जो एजेंसी क्या करती थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अगर ये पता था कि वहाँ से खबरें आ रही, उसको सुनकर के यहाँ इकट्ठे स्टेशन पर हो रहे हैं, चर्चा
होगी शहर के अंदर, पूरे गोधरा के अंदर चर्चा होगी, संवेदनशील शहर है, लेकिन उसके बावजूद ही सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई रोकथाम की नहीं की गई, ऐसा क्यों? और जो निंदा अभी कह रहे कि निंदा नहीं करते, कब निंदा नहीं की? गोधरा की निंदा किसने नहीं की? इसीलिए हमें दोहराना पड़ा। हम तो निंदा कई मौकों पर, कई अवसरों पर कर चुके हैं, लेकिन हम इसलिए दोहराना चाहते हैं कि सभापति जी कम से कम यहीं रिपोर्ट हो जाए और ये कह देना कि बातचीत को हम बाधा डाल रहे हैं। कौन बाधा डाल रहा है? बातचीत का बाधा आपने डाली, आपने बुनियाद डाली है, इस अयोध्या की बुनियाद डाली है। 1986 में विधानसभा की कार्रवाई मंगा के पढ़िए, उसके बाद पढ़िए। हमने बोला है कि ये बातचीत के द्वारा ही हल किया जा सकता और केवल अयोध्या पर छोड़ दिया जाता उसी वक्त, तो हमें विश्वास है कि अयोध्या के लोग हिंदू मुसलमान दोनों इस बात को सुलझा लेते दो ही होंगे। लेकिन मुद्दा बनाना था ये अलग बात है। लेकिन अब उसके बाद जो एक गंभीर परिणाम है, ये तो सबसे पहले स्टैंड हमारा था, हम थे मुख्यमंत्री, आप तरह तरह की बातें करते, अभी भाषणों में करते, तो आप क्या करते हैं? आप पता नहीं विश्व हिंदू परिषद आपसे अलग है, आप पत्र पढ़ रहे थे चरमानंद जी का, क्या ये विश्व हिंदू परिषद के बीजेपी के टिकट पर जीत के आए हैं? बीजेपी पे जीत के आए टिकट, आप कहें गृहमंत्री जी के बीजेपी के नहीं है चरमानंद जी? ये कौन ललकार रहा है, कौन धमकी दे रहा है कि अगर इस तरह का कठोर कड़ाई की गई और राम सेवकों के साथ कार्रवाई की गई? ये भी हम जानना चाहेंगे कि हेमंती जी राम सेवक कौन है, क्या आपको वोट करने वाले ही राम सेवक हैं? क्या हम लोग राम सेवक नहीं हो सकते? ये भी फैसला करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि राम सेवक कौन है। राम सेवक वही हैं जो बीजेपी से संबंधित है, विश्व हिंदू से संबंधित है, संघ प्रवाद से संबंधित है, यही हम जानना चाहते हैं कि कौन है राम सेवक। आप राम सेवक को हम जानते कितने आप राम सेवक हैं। राम सेवक कभी भी हिंसा कर नहीं सकता है, राम सेवक कभी किसी के पूजा स्थल को नष्ट नहीं कर सकता कभी भी, और सांप्रदायिक जो होता है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता है, और धार्मिक कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। ये इसमें भेद करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा यहाँ सदन के अंदर कि राम सेवक उधर ही बैठे वही लोग हैं। हम हैं, हम तो हनुमान के कहे जाते हैं, बचपन से हनुमान का इष्टदेव हमारे हनुमान रहे, तो जब हनुमान के हम भक्त हैं तो हमको तो आप कहते हो क्या कहते हो, हमको तो क्या क्या नहीं कहा गया। किस चिंतन के लोग थे, किन्होंने किताब छापी थी? वो किताब अभी छपी आपकी जो अभी पढ़ रहे थे, और आपने वहीं से यात्रा शुरू की थी। दंगा में तो लपेटा है आपने, गुजरात को लपेटा है, दंगा आप किया, और आपने वहाँ कहा जाके अमृतसर में गृहमंत्री जी आपने स्वयं में कहा कि कोई गलतफहमी में न रहे, हम अयोध्या के कार सत्ता में बैठे हैं। जब ये बयान आपका होगा गृहमंत्री के रहते हुए, हाँ गृहमंत्री नहीं होते आप बयान देते, कोई हमें ऐसा नहीं था, लेकिन जब गृहमंत्री हो गए हैं तो गृहमंत्री आप बीजेपी के नहीं हैं या संघ परिवार के नहीं, गृहमंत्री हमारे भी हैं, पूरे देश के गृहमंत्री हैं। सरकार हुआ है उसी बस यात्रा की बस्ती तो सरकार बना, हाँ वही सरकार कहाँ है अमृतसर में, कहाँ है गृहमंत्री जी ने कि कोई गलतफहमी न रहे, अपनी पार्टी को धमकाया, कहा कि हम अयोध्या के कार्य यहाँ पर सत्ता में आए हैं, हम सत्ता में आए हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब गृहमंत्री हैं तब ये चिंतन नहीं आपका होना चाहिए, तब गृहमंत्री पूरे देश के हों, आज 100 करोड़ से ऊपर की जनता के गृहमंत्री, ये भावना आपके अंदर होना चाहिए, ये व्यापक दृष्टि है, ये बड़ा दिल बड़ा सीना चला के गृहमंत्री जी आपको चलना चाहिए, देश को चलाना चाहिए, अर्थव्यवस्था तब ठीक हो सकती है। जब आपका ये बयान आ जाएगा तो आपके छोटरहिया क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, इशारा तो आपकी तरफ से, अब अखबारों में छपता है कि गृहमंत्री की राय कुछ और है, प्रधानमंत्री की राय कुछ और है, वो कह रहे आपसे मामला है आप निपटना, मुझे उससे कुछ नहीं कहना। आप फिर जवाब दे देंगे हमारे दोनों के लिए कोई मतभेद नहीं, हम कब कहते हैं हमें मतभेद हो, हम तो चाहते हैं ठीक है दोनों ही की एकता रहे, हमें तो पूजा अभी तो अभी सदन में मालूम पड़ गया था, आपकी आलोचना जब हुई सदन में, आप तो शायद उच्च सदन में थे तो आप कुछ लोग मुस्करा रहे तो कुछ आपके लिए लड़ रहे थे, तो ये सदन ही हमें लग रहा था, बंटवारा वो अलग है लेकिन उसमें हमें नहीं पढ़ना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस चिंतन के लोग कौन हैं, इस सोच के लोग कौन हैं कि हत्या करने के बाद नारे भी लगाते हैं, हिंसा करवाते हैं, तो इस पर आपको ही आपके हाथ में है, सारी एजेंसी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, ताकत आपके हाथ में है। कभी कभी हम लोग गुस्सा में हो जाते हैं तो आप लोग को भी बड़ी गुस्सा आ जाती है,
लेकिन क्या अंतर नहीं करना पड़ेगा? आपकी गुस्सा में हमारी गुस्सा में अंतर नहीं है? आज आपकी गुस्सा है हमको बर्बाद कर सकती है, आपकी गुस्सा हमको नुकसान कर सकती है, हमारी गुस्सा आपका नुकसान नहीं कर सकती। अभी तो आप गृहमंत्री हैं, आप पर सत्ता है, आप पर सरकार है, आपका उपयोग भी कर सकते, दुरुपयोग भी कर सकते, दुरुपयोग हो भी रहा है मुझे आप, हम आगे चल के बताएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर मान ले गोधा में घटना हुई तो क्या गोधा में घटना का बदला पूरे के पूरे शहर, पूरे कस्बे, पूरे गांव जला करके निर्दोष बच्चों को, महिलाओं को हत्या करके, त्रिशूल ले लेकर के सड़कों पर निकल करके आग लगाएंगे? क्या ये गोधरा का बदला लेना था? तो सरकार क्या करती? ये सच्चाई है क्या? आप तारीफ कर रहे हैं गुजरात की सरकार की? किस है, किस कारण कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है गुजरात के अंदर वो देश पर कलंक है, ये देश पर कलंक नहीं है माननीय गृहमंत्री जी, ये गुजरात की सरकार के माथे पर कलंक है, ये दिल्ली की सरकार के माथे पर कलंक है, ये देश के कलंक है, इनके कारण हुआ है। और वरना 28 तारीख को मैं हम जानना चाहते 28 तारीख को 12 बजे तक कुछ भी नहीं था, दोपहर तक कुछ भी नहीं था, उसके बाद इकट्ठे होकर के भीड़ इकट्ठी हो रही है, हथियार लिए जा रहे हैं, आग लगाने वाले पूरे के पूरे सामान इकट्ठा किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल इकट्ठे किए जा रहे हैं। सरकार क्या करती है? उस सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारी थी, रोक सकती थी, सरकार को पता था कि गोधरा में हो गया है, गुजरात संवेदनशील एक सूबा बन गया है, और उस संवेदन सूबे में राज्य में सरकार जब इकट्ठे हो रहे बंद के नाम पर, आह्वान के नाम पर, वो सीधे सीधे आग लगाना शुरू कर दिया, और उसके बाद आप सरकार की तारीफ करते हैं। और उसके बाद जब विश्वनाथ पन्त ने और बजरंग दल ने एक नहीं वहीं पर टोलियों का बंटवारा किया, हिस्सा बांटा, कौन मोहल्ले में कौन जाएगा, कहां कहां जाएगा, क्योंकि हमको 9 बजे से शाम को पूरी रात टेलीफोन आ रहे थे, पूरी पूरी रात टेलीफोन अहमदाबाद से आए। प्रधानमंत्री जी को मैंने टेलीफोन किया, प्रधानमंत्री जी को 3 बार टेलीफोन किया, प्रधानमंत्री जी की पहली बार जवाब नहीं मिला। जब 11:30 बजे हुए हम जान गए अब सोने वाले हैं, तब मैंने उनसे कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, न आपकी कृपा पे कोई हम शपथ लेने के लिए बात कर रहा हूं, हम गुजरात के बारे में बात कर रहा हूं। तो फिर प्रधानमंत्री जी की गलती हो नहीं सकती, हम मानते हैं कभी कभी जब भी हमने टेलीफोन आपको किया, प्रधानमंत्री जी किया, तो तुरंत बैक हो गया, कहीं हुए आप कहीं भी हुए हमको टेलीफोन बैक किया है। लेकिन हम पता नहीं होते प्रधानमंत्री को 3 टेलीफोन करने के बाद, जब हमने ये शब्द कहा तो 2 मिनट में ही टेलीफोन पर आ गए। लेकिन हमने उन्हें कहा तत्काल फौज भेजिए और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व MP उसके कम से कम 40 रिकॉर्ड पर है टेलीफोन, कांग्रेस पार्टी के साथ दफ्तर में भी टेलीफोन है, जनता अखबार में पढ़ा, अब आया नहीं आया कांग्रेस पार्टी के मित्र जाने, ले हम का टेलीफोन आया है, हमने उनका नहीं था लेकिन और लोगों का था कि वो फंसे हुए हैं। ये भी है बाकायदा आपको उस मौके पे नहीं गया ये प्रतिनिधिमंडल, अगर गृहमंत्री जी के जहाँ पर आपके गुजरात के गृहमंत्री जी हैं उनके मकान के आसपास गए होते तो सारी की सारी फायरिंग, सारी की सारी गोलियां, सारी की सारी योजना आगजनी की पूरा का पूरा यहाँ तक है कि गृहमंत्री के घर से निकलते थे लोग, बगल से निकलते थे। तो फिर उसकी सरकार की आप तारीफ करेंगे? फिर कौन जिम्मेदार है? फिर जिम्मेदार कौन है? फिर जांच किसकी कराएंगे? जब सरकार को आपने पहले ही से प्रमाण पत्र दे दिया सरकार की कोई गलती नहीं और पुलिस की कोई गलती नहीं, पुलिस इंतजार करती थी आदेश क्या मिले? ये तो अब आपका पूरा का पूरा ये आपकी पार्टी आपकी सरकार आपके पक्ष में लिख दे तो मीडिया निष्पक्ष है, अगर मीडिया आपके पक्ष बोले तो निष्पक्ष है और सही बोले तो पक्षपात है, तो आपके खिलाफ मीडिया भी षड्यंत्र कर रहा, हर बात को मीडिया ही षड्यंत्र करेगा और फिर नहीं तो पाकिस्तान ही सब कुछ करेगा। अगर पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान का आप कौन मना कर रहा है कि पाकिस्तान को स्वागत नहीं सका, कौन मना कर रहा है? अगर पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है तो आप सत्ता में कैसे? आपके पास फौज है, बहादुर फौज है, फिर आप उसके बांधे हाथ क्यों बांधे हुए? अगर पाकिस्तान ही कर रहा है, अभी भी बोल गया कि पाकिस्तान की हरकतें हैं, पाकिस्तान की जब हरकतें हैं आप भी कहते और आपके साथी भी कहते
तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कौन रोक रहा है? रोक कौन रहा है? हम तो रोक नहीं रहे, हमने तो 2 साल पहले कहा था सीमा पार जाइए, हिम्मत नहीं है। आप दूसरे के सहारे पर हैं, दूसरे के सहारे पर हम उतने सहमत हैं दूसरे के सहारे पर। अगर विदेशी ताकत तीसरी है आपके दोनों के पक्ष, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पक्ष में, अगर वो दोस्ती करा दे इस सीमा तक, तो हम पक्ष में हैं, लेकिन हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। कश्मीर का हस्तक्षेप हो, चाहे देश का कोई हस्तक्षेप हो, चाहे अर्थव्यवस्था का हस्तक्षेप हो, इसके पक्ष में हम नहीं हैं। अगर आपकी दोस्ती करा दे तो हम तो खुश होंगे, इसलिए खुश होंगे कि एक विदेशी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया, और अगर एक विदेशी दोस्ती करा दे हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन हर बात उसी को पूछ के करेंगे, और फिर आप इसका असर माननीय गृहमंत्री जी केवल हिंदुस्तान पर नहीं, सारी दुनिया पर पड़ रहा है, और हमारे देश को कमजोर करने के ये कमजोर करने का एक कदम है, आपकी सरकार का कदम है, गुजरात की सरकार का कदम है, मुख्यमंत्री इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं। और सच्चाई है कि मुख्यमंत्री भी इसमें अपराधी साबित हैं, कि जब वो ये बयान देते हैं कि प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया होगी, और फिर जब 1 मार्च को जाते हैं, अमर सिंह जी जाते हैं, CPM के येचुरी जी जाते हैं, और ये क्या नाम समाना आदमी जाते हैं, और राज बब्बर जाते हैं, मुख्यमंत्री को टेलीफोन करते हैं अमर सिंह जी। मुख्यमंत्री जी क्या जवाब देते हैं गृहमंत्री जी? कि आपके विचार, आपके चेहरे को हमारे लोग सब जानते हैं, हमारी जनता पूरी जानती है, हम कोई आपके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम कहीं आपको नहीं ले जा सकते, हम कुछ भी आपको नहीं दिखा सकते। ऐसा कभी किया है हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री जी के? तो हाँ, ये कह सकते थे, ये तो हमने देखा, हमारे साथ भी किया गया, निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना की है, मजिस्ट्रेट ने लिख के दिलवा दिया है, क्या उनको लिख के दे दो, प्रवेश नहीं करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, आप देंगे 10 कदम भी तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, ये तो हमारे साथ किया गया, ये तो हुआ है। लेकिन ये जवाब देना कि आपके विचार, आपके चेहरे को हमारे लोग जानते हैं, गुजरात की पूरी जनता जानती है, हम आपके कोई सच्चा नहीं कर सकते, ये मुख्यमंत्री कहने के बाद एक दिन भी का मुख्यमंत्री रहने का हक है, आप उसकी तारीफ करेंगे? ज़रा पूछ लो, ये जो लोग गए तो उनको पूछो, और अपने मुख्यमंत्री को पूछो कि मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया था। तो ये सारी की सारा, ये कोई भी नहीं, ये पागलपन नहीं है माननीय सोमनाथ जी, ये बाकायदा संगठित, बाकायदा हत्या, आगजनी और अस्थिरता फैलाने का एक बहुत गहरा षड्यंत्र है। ये पागलपन नहीं था, जानबूझ करके वहाँ की सरकार थी शामिल, वहाँ की पुलिस इंतजार करती रही कि आखिर क्या हमको आदेश है, इसे मुस्कराते रहे। और ये भी है कि एक वर्ष के लोग आते थे तो गोली चलती थी, और दूसरे लोग घूमते थे तो मुस्कराती थी पुलिस, मुस्कराते। अरे मीडिया में है, ये मीडिया दिखा रहा है, ये मीडिया दिखा रहा है, मत बोलो। और अगर ये नहीं है सभापति जी, तो सारी एजेंसियों की रिपोर्ट है, गृहमंत्री जी आप जब देंगे जवाब, तो जो जो एजेंसी की रिपोर्ट है आप रखिए सामने सदन के अंदर, है तो उनके पास, हमारा तो मीडिया देखने को मिल जाता है, अखबार पढ़ने को मिल जाता है, आप जैसे अनपढ़ लोगों का हम क्या करें? दोनों अब जन के ना आँख है ना पढ़े लिखे, तो हम उनके लिए क्या करें? न देख सकते न पढ़ सकते, उनके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं। ये झूठ तो आप ही बोल सकते, झूठ बोल, झूठ, अरे भाई यार झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप जैसे झूठ बोलने वाले कौन है जो पत्थर को भी दूध पिलाते दुनिया में, इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कौन है? ये प्रमाण हो चुका है हमारा, तो हमें खुशी है कि सारे वैज्ञानिक और सारे पत्रकारों को बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने साबित कर दिया, नहीं सारी दुनिया की मूर्तियों को दूध पिला दिया और फिर बंद भी करा दिया 2 घंटे बाद। अरे अरे भाई सूप बोला तो बोला चलनियों बोले जब 72 छेद, सूप बोला तो बोला चलनियों बोले जब 72 छेद। हाँ बस यही हम चाहते हैं, सुनिए, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि
अब आठ, हम तो इस पर नहीं लंबा बोलना चाहते हैं, 8 मार्च के जो रिपोर्ट है, सबदलीय रिपोर्ट है, अगर सबदलीय रिपोर्ट बनाई हो तो मुझे भी दे दीजिए। अच्छा, लेकिन अलग अलग से मैंने बयान सुना है, विषमनाक है घटना गुजरात के अंदर, जो आप लोग गए थे 8 मार्च को, जो आप बोल रहे थे टीवी पे, जो आप देख रहे थे दर्शक, वो तो हमने देखा है। क्या बोला? आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, इससे ज्यादा शर्मनाक और सरकार के लिए क्या हो सकता है? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब एक, अब जहां तक ये बुनियाद है सब अयोध्या से, पूरी की पूरी बुनियाद है, वो राम सेवक हों चाहे कार सेवक हों या अन्य देवों में भी थे, ऐसा नहीं कि जो बोगी जली है उसी भी सब थे, वो कारसेवक या राम सेवक जो भी हैं, आपके जो चाहे विश्वंत सद हो चाहे संघ परिवार हो बजरंग दल हो कोई भी हो, हम ये नहीं कहते वो तो इंसान थे, निर्दोष थे, निहत्ते हैं, उनको आग लगा के जला गया, उसकी तो निंदा हम करते हैं, घृणित काम था, उसकी कड़ी सजा दें हम उसमें सहमत हैं, लेकिन है अयोध्या की बुनियाद, वो अयोध्या बुनियाद को हम हल कराने के पक्षधर हैं, जो पक्षधर नहीं है वो तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा राजनीति या देश विरोधी काम करने वाला है, हम चाहते वो हो, जो ये आरोप लगाते हैं कि हम नहीं चाहते हैं, वो स्वयं अपने चेहरे को अपने दिल को टटोएं, हम तो जानते हैं कि जब हल हो जाएगा तो आप पर कोई हथियार बचा ही नहीं, ये तो आप लोग कहते हैं, आप लोग कहते फिरते हैं, या मंत्री जी नाम बता सकते हैं, हम बड़े बड़े आपके नेताओं के नाम बता देंगे, तो वो कहते हैं अगर अयोध्या का हल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, हम जहाँ सदन के अंदर कहते हैं कि 3-4 बातें छोड़ दो तो हमारी आपकी दूरी कम हो जाए, तो कहते हैं फिर हमारे पास बचा ही क्या, जो आप चाहते वो छोड़ दें, तो ये चिंतन है, ये सोच है कि जब एक तरफ आपके संकट है देश पर और संकट है आपकी सीमा पर, आपके सामने आज पूरे देश के सामने चुनौती है देश को बनाए एक रखने की, देश की सुरक्षा, आंतरिक एकता, जो आपके उत्तरी पूर्वी भी असंतोष उसको ठीक करने का, सीमा पर इस तरह का जो जमाड़ा है फौज का उसको, आपको देश की सुरक्षा का, ये जब ऐसे सवाल हैं तो देश को बांध के रखना पड़ेगा, सबको विश्वास रखना पड़ेगा, फिर ये नहीं होगा कि गोधरा में हत्या हो गई है तो निर्दोष बच्चों को निर्दोष महिलाओं को जाके हत्या, अब जो 31,000 हो 33,000 हो ये सही है कि उनकी देखभाल अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है, वहाँ पर स्वयंसेवी संगठन कर रहे हैं जो कुछ कर पा रहे हैं, वहाँ पर पड़ी गंदगी जो बताई जा रही है अखबारों में भी आ रही है मीडिया में आ रही है, देख रहे हैं हम लोग जहाँ कैंप लगे वहाँ सरकार गंदगी भी दूर नहीं कर सकती है, सफाई भी नहीं कर सकती है, ये हालत आज है कैंपों में, और फिर ये प्रतिनिधि मंडल गया था वहाँ, असली जगह तो गया ही नहीं, वहाँ ले जा ही नहीं गया, अगर आप उन जगहों पर नहीं ले जाया गया खतरा के नाम पर हो या खतरा हो भी सकता है, लेकिन खतरा भले ही था, लेकिन सरकार अगर वहाँ मौके पर नहीं ले जाने की सक्षम है 10 दिन बाद भी, तो सरकार के आप हम फिर दोहराना था, फिर सरकार की तारीफ करूँ, इसलिए हम आपसे हमारी मांग है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जैसे जाँच कराई जाए, और जितने भी लोगों के जो असली उद्देश्य क्या था, एक विशेष वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने का, उनकी दुकानों में आग लगाना, उनके छोटे छोटे उद्योग लगे हुए उनको नष्ट करना, उनको ऐसा नारा देकर के ऐसा कर दो जिससे 50-100 साल तक कभी इनके परिवार कभी भी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो ही न सके, इस योजना से जब काम किया गया है तो आपको उनकी क्षतिपूर्ति देना चाहिए, आपको बाकायदा जो चाहे 6,000 करोड़ की बात कही जाती हो, लेकिन हम जानते हैं कि एक बार 1992-93 में ही बम्बई में अकेला लगभग कोई कहता तो 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, ये तो पूरे गुजरात में हुआ, अभी गांव में तो एक गांव में नहीं ले जाया गया, अगर प्रतिनिधि मंडल किसी एक गांव में चला गया होता अभी तक घुस के जहाँ, तो फिर सारा दृश्य पता चल जाता प्रतिनिधिमंडल को भी क्या हो रहा है गुजरात के अंदर, गाँव में जा करके आप वहाँ जलाए गए गाँव, वहाँ तो कोई पहुँचा ही नहीं, जब महमदाबाद में फौज नहीं, फौज खड़ी और ये कहकर के टायर जल रहे हैं पेड़ जल रहे हैं इसकी वजह से फौज की देरी हो गई, लेकिन फौज पहुँच चुकी
ये फौज को स्थानीय बताया जाता है कि कहाँ जाना चाहिए, जिम्मेदारी नहीं दी जाती। ये कौन कर रहा था? ये सरकार का काम था। कौन करना था? सरकार को करना था। इसलिए आज सबसे पहले अगर वहाँ जांच के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से कराए और सबसे पहले आप गुजरात की सरकार के मुख्यमंत्री को बर्खास्त, सरकार को नहीं कर सकते हो लेकिन मुख्यमंत्री को तत्काल हटाएं, ये हमारी मांग। थैंक यू। श्री गंगाराम गीते।